हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपीएल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूं। अगर आप लोग यहां से अगर पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आप लोग को पेपर एनालिसिस हो जाएगा कि कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और मैं गारंटी बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं कि यहां से कम आपको 10 से 12 प्रश्न जो सीधे सीधे जो है एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, कम से कम 10 से 12 प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को यह पता जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस सारे प्रश्नों को पढ़ चुके हैं तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और आप नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और आप लोगों को तो ये सारा कुछ पता ही होगा कि आपको 70 मार्क्स का होता है, और जैसा कि आप लोगों को 70 मार्क्स में से आपको जो है 42 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो है बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को ही करने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ मैं आप लोग को बीबीपी हेल्प वेबसाइट में देने वाला हूं, ठीक है। कैसे लिखना है आप लोग को, गूगल में जाकर के बीबीपी HELP बीबीपी हेल्प वेबसाइट में जाइएगा और वहां पर आप लोग को कंप्लीट तरीके से पीडीएफ, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, सारा कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। बस आप लोग गूगल में जाकर के लिखना है और फ्री में आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए आज का पेपर को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन पेपर एक नंबर से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है मैं लेकर आया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेत है, संकेतक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है देखिए, आकार में वृद्धि, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेत क्या है कि आकार में वृद्धि जो है, इससे जो पता चलता है कि मतलब विकास जो सबसे ज्यादा जो है हो रहा है, ठीक है प्यारे। चलिए तो आकार में वृद्धि हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखेंगे यहां पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित देशों में किसका जो लिंग अनुपात जो विश्व में सर्वाधिक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या, दूसरा नंबर का ए नंबर क्या, लैटविया। लैटविया जो है यहां पर क्या है कि लिंग का अनुपात जो है सर्वाधिक है, ठीक है जी। चलिए अब देखेंगे अगला, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग को ये सारे प्रश्न समझ में आ रहा है। अगर आप लोग अगर इससे डिटेल से चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को इसी तरीके से थोड़ा सा तेजी तेजी पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी से देखिएगा। तो तीसरा नंबर करेक्ट आंसर डी नंबर, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है प्यारो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित जनसंख्या में कौन जनसंख्या, सॉरी निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु का, आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहां पर तीसरा नंबर, सॉरी चौथा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, 15 से 64। यहां पर क्या होगा, 15 से 64 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित, अब यहां पर देखिए, यानी 15 से 64 वर्ष तक जो है लोग जो है क्या करते हैं कि मतलब उसका आयु जो है प्रतिनिधित्व करती है, और लोग उनको जो है मतलब ज्यादा मतलब होता है कि 60 के बाद जाता है कि मतलब उसको ना 60 के बाद उसको कुछ भी नहीं मतलब दिया जाता है, जैसे कि 60 के बाद उसका रिटायर हर चीज हो जाता है। तो 15 से जो है क्या होता है मतलब 64 तक तो सब कुछ मान्यता होता है, ठीक है जी। चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, 5 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर, यानी क्या होगा, अन्वेषण और वर्णन जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, यानी कर्तन दहन कृषि किसको कहते हैं, यहां पर आप लोग चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारो, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा, यानी आदिम निर्वाह कृषि जो ये क्या है, यानी दहन कृषि है, कीर्तन दहन कृषि। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, 6 नंबर का, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो निम्नलिखित में कौन जो रोपण फसल होगा, यहां पर देखिए मक्का है, गेहूं है, चाय है, राई है। तो यहां पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर क्या होगा, चाय जो है ये रोपण फसल है, ठीक है प्यारो जी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर मक्का तो रोपा जाता है, तो मक्का नहीं होगा, एक कैटेगरी होता है इसका, तो चाय रोपा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्नों में से, आप लोग जो पढ़ लेंगे पूरी तरीके से तो यानी 100% मैं बता रहा हूं यहीं से आने वाला है कुछ कुछ प्रश्न, ठीक है। तो पुष्पोत्पादन, ठीक है, पुष्प उत्पादन कहते हैं उसको, फूलों की कृषि को, ठीक है प्यारे। चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रबर
किस प्रकार की कृषि की उपज है, रबर जो है किस प्रकार की कृषि उसको बोला जाता है, तो यहां पर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 9 का राइट आंसर है रोपण, रबर भी क्या है रोपा जाता है, ठीक है जी। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई बार, जो कि आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे, ठीक है जी। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सॉरी एक मिनट जी, देखिए तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आ चुके 10 नंबर, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर, यानी डॉक्टर महबूबुल हक, करेक्ट आंसर क्या होगा तो बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है प्यारे। चलिए ये सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा यार, आप लोगों को मैंने कई बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम आने वाला है। अब 11 नंबर, भारत का एक सदस्य है, तो भारत जो है एक सदस्य किस, भारत का नहीं है, भारत एक सदस्य किसका है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताने, 11 नंबर का ए नंबर यानी साफ्टा का सदस्य है, राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को तो पहले ही बता दिया गया है। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, तो रेल मार्ग के जाल जो जैसे रेल मार्ग होता है ना, तो ये जाल कहा जाता है इसको, तो ये सघनतम घनत्व है तो किस देश में है, तो यहां पर 12 का राइट आंसर क्या, बी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्या है यानी सघन है, बिल्कुल क्या है बहुत ज्यादा सटा सटा हुआ है, ठीक है प्यारे जी। और वहीं पर अगर विरल रहेगा तो विरल उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है, तो बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग, क्या परिवहन, इससे क्या परिवहन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा प्यारे, सी नंबर का, पेट्रोलियम का होता है, ठीक है। चलिए अगर आप लोग चाहते हैं फ्री में पीडीएफ लेना, तो आप लोग बस गूगल में जाकर के यहाँ पर देखिए लिख देना है bbphelp.com, आप लोग को सारा कुछ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, बिल्कुल न्यू सेट। इसलिए आप लोगों को करना क्या है कि गूगल में जाके बीबीपी हेल्प लिखना है। और देखिए अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आउट होती है, जो प्रश्न जो आउट हो जाता है एग्जाम से पहले पहले, तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम से पहले पहले जो है मिल जाने वाली है, जैसे कि कुछ घंटे बाद जो क्वेश्चन आउट होती है तो वो मिल जाएगी, ठीक है बहनों जी। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन है, तो सबसे सस्ता परिवहन क्या होगा, तो 14 नंबर राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी क्या होगा जल परिवहन, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा 15 नंबर का बी नंबर, क्या होगा यानी चतुर्थ सेक्टर का कौन सा आता है, तो विश्वविद्यालय, ठीक है प्यारे। तो यहां पर चतुर्थ हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, 15 का बी हो जाएगा जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिल्कुल हाँ, अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है, तो कौन जो औद्योगिक नगर है, तो यहां पर 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर क्या होगा जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए औद्योगिक नगर जमशेदपुर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन जो है ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो 17 करेक्ट आंसर ए नंबर का प्राथमिक, क्या होगा ए नंबर करेक्ट आंसर ए राइट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो निम्नलिखित में कौन जो सांस्कृतिक नगर है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा सांस्कृतिक नगर, सॉरी ये मक्का, हाँ ये सांस्कृतिक नगर मक्का है, ठीक है मक्का, ये मक्का मदीना मतलब मक्का और मदीना, आप लोग ये गेहूं मतलब गेहूं धान वाला मक्का, ये पर रोपण फसल नहीं है, ये मक्का मदीना आता है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो जी बिल्कुल सी नंबर सांस्कृतिक नगर, ठीक है। अब देखिए इसको मुसलमानों का जो है सबसे मतलब जो है अच्छा मतलब जो है माना जाता है, सबसे जो है मतलब बेस्ट और सबसे अच्छा जगह है, ठीक है प्यारो जी। अब यहां देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का आदिवास पाया जाता है, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर सीरीनुमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, तो यहां पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर जेनेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर परिभाषा का अंग नहीं है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग 21 नंबर का बोलने हैं, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर डी नंबर में आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा क्या है, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ठीक है, यानी किसमें संलग्न, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि हम लोगों का जो है मतलब क्या है कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधान इसलिए है क्योंकि हम लोग का जो ज्यादातर जो है 75% से अधिक क्या करता है कि वो कृषि प्रधान,
निशान है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 22 नंबर का, जल्दी से बोलेगा सी नंबर का, यानी भारतीय यूरोपीय संख्या की मतलब सबसे कम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि उच्चतम है? तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, डी नंबर केरल करेक्ट आंसर क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। उच्चतम यानी यहाँ पर जो लोग 100% जो है या 99% जो है पढ़े लिखे हैं, इसीलिए जो है करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब भी देने आप लोगों को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को, ए नंबर, ए नंबर 121 करोड़, लेकिन अभी क्या हो जाए हो चुका है 1 अरब लगभग 40 करोड़ से भी अधिक हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो यहां पर क्या होगा, जल्दी से 25 नंबर का बोलना आप लोग को, तो डी नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोला, सुपरलेखित प्राचीनतम, सबसे प्राचीन जो है सिंधु घाटी सभ्यता, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारो, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो कहां पर है, तो इसका करेक्ट आंसर 26 नंबर का बोलेगा ए नंबर, यानी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, तो निम्नलिखित कौन जो रेशेदार फसल है, तो यहां पर राइट आंसर 27 नंबर का डी नंबर, कपास जो है रेशेदार फसल है, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, और ये सारे प्रश्न अगर आप लोग छोड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा पछताएंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि ये सेंटअप और फाइनल दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी कौन सा, यहां पर देख लीजिए फटाफट से, 28 नंबर का आंसर सी नंबर का, यानी तापी बेसिन। इसलिए हां जी जी बिल्कुल, आप लोग क्या करिएगा कि लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कौन सा वीडियो लेकर आऊंगा। और देखिए आप लोग ना सब्जेक्टिव के लिए 8 बजे सुबह आ जाइएगा, सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव अब हारना होना जो स्टार्ट हो जाए 8 बजे, ठीक है बेरो। चलिए इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोग का जो कंप्लीट तरीके से तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। देखिए हरित क्रांति सम्मिलित है, तो हरित क्रांति किससे सम्मिलित है, तो 29 नंबर का यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर। ए नंबर क्या है, यानी खाद्यान्न उत्पादन से, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारो, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो यहां पर 30 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर का, इनमें से सभी राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी भारतीय कृषि की समस्या, तो इनमें से सभी, ठीक है प्यारो। देख लीजिएगा निम्न उत्पादकता, यानी कम से कम जो उत्पादकता हो रहा है, उसका क्या कि विखंडित जोत, उसका क्या कि अनियमित मानसून, जो बार बार जो है क्या हो जाता है यहां पर, तरह तरह का जो मानसून आता है जिससे क्या होता है खेती में मतलब जो है बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। अब यहां देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था प्यारो, क्योंकि यहां पर देखिए सब कुछ जो है अवेलेबल मिल रहा था, अब जो भी चीज जहां पर ज्यादा अवेलेबल मिलेगा तो वहां तो हो ही जाएगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर देखिए इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये कपास क्षेत्र का निकट है, निकट में रहेगा तो ये कर दिया, मुंबई क्या है कि वित्तीय केंद्र था, और मुंबई में भी पत्तन, बड़ा बड़ा जो है पत्तन भी था, इसलिए वहां पर जो क्या हुआ था, वहां पर आधुनिक जो है सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना वहीं पर लगाया गया था, ठीक है। देखिए आप लोगों को यह भी बोला जाएगा कि सबसे पहले तो मतलब किया गया था जो पुरानी, सबसे पुरानी कहां पर किया गया था, कोलकाता में, लेकिन वहां पर सक्सेस नहीं हुआ इसलिए मुंबई में जाकर के किया था, ठीक है प्यारो जी, वो भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, तो प्रादेशिक यानी क्या है, नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 32 नंबर का जी, तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ठीक है प्यारो जी। ये ध्यान रखिए सारे प्रश्न प्यारो, बस आप लोगों को बस ये सारे प्रश्न आने वाला है, प्रश्न आपके एग्जाम में। अब यहां देखेंगे भारतीय रेल प्रणाली को किस यानी मंडलों में विभाजित किया गया है, तो यहां पर 33 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, डी नंबर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, कितनों में भी नहीं किया गया है, ठीक है, इनमें से डी यानी कोई नहीं होगा। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में वायुमंडल परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, तो यहां पर 34 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, 1911 में, यानी भारत में वायु परिवहन सेवा, ठीक है, वायु परिवहन सेवा 1911 में किया गया था, ठीक है, और 1853 में रेल जो है चला था भारत में। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, पूर्व पश्चिम यानी गलियारा जोड़ता है, तो किसको किसके जोड़ता है, तो 35 का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर में क्या है, जल्दी से बोलेगा, यानी सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ठीक है जी, पोरबंदर कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है प्यारो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है स्थलबद्ध पोताश्रय है, स्थलबंध पोताश्रय, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा,
तो इसका राइट आंसर जल्दी से बोलेगा। ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। 36 का राइट आंसर विशाखपट्टनम क्या होगा? विशाखपट्टनम। अब पोताश्रय किसको कहेंगे? आप लोग तो सोचेंगे पोताश्रय जो होता है प्यारो यानी स्थल बद, यानी इसको एक तरह का मानो जैसे कि हवाई अड्डा, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोले जा रहा है, कह रहे हैं कि तूती कोरिया पत्तन स्थित है। तूती कोरिया पत्तन स्थित कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 नंबर का यानी सी नंबर का तमिलनाडु में। और ये पत्तन वाला क्वेश्चन तो आपका हर हाल में आएगा ही आएगा, ठीक है प्यारो। चलिए अम्ल वर्षा का कारण है, तो अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? तो इसका 38 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का, सी नंबर में क्या है यानी वायु प्रदूषण, ठीक है प्यारे। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है स्थित सॉरी स्थापित की गई, तो कब की गई थी? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? तारापुर में। करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है जी। अब यहाँ 40 नंबर देखें क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत स्रोत? अब परंपरागत के बारे में आप लोग जानते हैं, देखिए पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये देखिए परंपरागत जो प्रकृति के द्वारा मिलता है तो उसको परंपरागत कहते हैं। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग जैसे बिजली उत्पादन करते हैं तो ये परंपरागत नहीं है, ये गैर परंपरागत है। और गैर परंपरागत हम लोग उसको ही कहेंगे जो खुद मनुष्य अपने हाथ से बनाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट मैग्नीज यानी क्या है क्षेत्र जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका 41 करेक्ट आंसर डी नंबर का मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे प्यारे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाएगा कि बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र कहां पर है? तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा सी नंबर। सी नंबर निजी क्षेत्र है, बोकारो इस्पात केंद्र है तो निजी क्षेत्र है, ठीक है जी। तो अब आप लोग बताइए कि 42 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही हुआ, कितना मार्क्स आया। अब आप लोग की बारी है कि पीडीएफ कहां से मिलेगा, कैसे हम लोग जो नोट्स लेंगे, ठीक है, नोट्स कैसे यानी लेना है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप लोग ने इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है या फिर पैसे देने। अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव नोट्स लेना प्यारो, तो सब्जेक्टिव जो कि मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ है तो उसके लिए आप लोग जो है ले सकते हैं। तो 7903288689 पे आप लोग जो है यानी कॉल कर सकते हैं, कॉल तो शायद नहीं लेगा, मैसेज कर सकते हैं। और देखिए मैसेज करके आप लोग बोले यानी पीडीएफ लेना है। और आप लोग को फ्री में नोट्स कहाँ से मिलेगा? देखिए फ्री में नोट्स लेने के लिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ कि पीडीएफ को कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, गूगल में आना है, ठीक है। गूगल में आकर के आप लोग टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, bbphelp.com, ठीक है। क्या टाइप करेंगे, bbphelp.com टाइप करेंगे और आप क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप लोग देखिए बस जादू का खेल शुरू हो जाएगा आप लोग के सामने में। देखिए हमने यहाँ पर डेस्कटॉप मोड कर लिए हैं फ़ोन को, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर आप लोग को मिलने वाला है। देखिए कैसे आप मॉडल पर पढ़ेंगे वो चीज बता दूंगा और ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे वो भी मैं बता दूंगा। और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे से पढ़ सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर के सामने आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अब देखिए आप लोग क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा ये क्या हो रहा है। देखिए मॉडल पेपर के सामने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब नीचे आना आप लोग को, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए आप लोग के सामने में सब कुछ आ जाने वाली है, ठीक है प्यारो। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जैसे कि हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब मान लें मुझे क्या पढ़ना है कि हिस्ट्री का सब्जेक्टिव पढ़ना, तो सब्जेक्टिव में क्लिक कर देंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ना ऑब्जेक्टिव में क्लिक कर देंगे। या फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का है तो सब कुछ पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग 10-10 मॉडल पेपर को पढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लिया होम साइंस का पढ़ना है तो होम साइंस के सामने में यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने में देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जा रहा है। यहाँ पर प्यारे देखिएगा कितना 10 मॉडल पेपर आप लोग को मिल रहा है। अब मान लिया मुझे 10 नंबर पढ़ना है, फिर 1 नंबर पढ़ना है, तो 1 नंबर में पढ़ना चाहता हूँ। देखिए 1 नंबर में क्लिक करेंगे, क्लिक डाउनलोड के बटन में क्लिक करते ही आपके पास जो नीचे इस तरह का ऑप्शन इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं कि निम्न में से जो है कौन जो है मास्टर ग्रंथी है, पिट्यूटरी ग्रंथी जो भी है, तो यहाँ पर यहाँ पर आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। आंसर को मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है। इस तरीके सब कुछ आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं प्यारे, ठीक है। तो चलिए आज का लाइव सेशन हमारा इतना ही तक, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अगला वीडियो कौन सा आना चाहिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि सुबह 8 बजे जो क्लास होती है वो उसको भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। चलिए आज का लाइव सेशन इतना ही तक, और जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पुराने स्टूडेंट क्या करिएगा कि लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।